लद्दाख के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ले एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, तो सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जोधपुर दौरा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माता मोहन कंवर के निधन पर जताया शोक, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी साथ में मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी प्रदेश को एम्बुलेंस की सौगात, प्रसूताओं के लिए 104 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी रहे मौजूद। ड्रग्स केस में आज फिर सुनवाई, आर्यन खान को बेल या जेल पर होगा फैसला, मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हालत अब स्थिर, हल्का बुखार होने के चलते कल दिल्ली एम्स में कराया गया था भर्ती, कांग्रेस के कई नेताओं ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। नवरात्रि की महानवमी आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कन्याओं को कराया भोजन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज, मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक होती आराधना, असुरों के राजा महिषासुर का वध करके मां कहलाई थी महिषासुर मर्दिनी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़त जारी, पेट्रोल 37 पैसे तो डीजल 38 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, आम आदमी का बिगड़ा बजट। कोटा में रंजिश के चलते फसल में लगाई आग, करीब 4 लाख की 50 बोरी फसल जलकर के राख, रामगंज मंडी के हेमलखेड़ी गांव की घटना। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स, कल चेन्नई सुपर किंग्स से होगी भिड़ंत।